प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 साल के कार्यकाल पूरा होने पर सोमवार को भाजयुमा कार्यकर्ताओं ने फतेहपुर में एक विशाल बाइक रैली निकाली। रैली को पूर्व राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश महामंत्री कृपाल परमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली तलाड़ा से होते हुए फतेहपुर विश्राम गृह में जाकर रुकी। राजा का तालाब में महिला शक्ति ने सुमन बाला के नेतृत्व में इस विशाल रैली का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर मंडला अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, जिला उपाध्यक्ष, ओबीसी नेता और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सहित कई अन्य कार्यकर्ता भी शामिल रहे। कृपाल परमार ने बताया कि बीते 4 साल में मोदी सरकार ने देश में बहुत सारा विकास करवाया है और लोग भी मोदी सरकार के इस कार्यकाल से बेहद खुश हैं। कृपाल परमार ने कहा कि अगर किसी को काम करवाना है तो फतेहपुर के विधायक सुजान सिंह पठानिया के पास जाएं। आपका सवाल बड़ा उपयुक्त है, लेकिन आपको ये सवाल जो है यहाँ के विधायक को पूछना चाहिए। बिल्कुल, जय श्री राम, जय श्री राम। केंद्र में भी, प्रदेश में भी सरकार है, तो फिर भी आपकी तरफ से भी तो कुछ है। यहाँ यहाँ विधायक तो है ना जी? जी जी, यहाँ विधायक है, लोगों के चुने हुए विधायक है और बड़ी लंबी इनिंग खेल के वो विधायक बने हैं। तो मुझसे बेहतर है कि आप पहले उनसे सवाल करें, उनका जवाब लें, फिर मेरे से सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। लोगों का कहना है कि अगर फतेहपुर के विधायक यहां पर हैं तो परमार द्वारा हारने के बाद भी क्षेत्रवासियों को गुमराह क्यों किया जा रहा। वहीं इस कड़ी के बीच एक और बात सामने आई। पता चला है कि भाजयुमो के प्रदेश सचिव पंकज हैपी इसी क्षेत्र से संबंधित हैं और वे भाजयुमो को इस रैली से बिल्कुल किनारा करते नजर आए। तहन से अनिल शर्मा की रिपोर्ट।